सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवल रियलिटी सर्विसेज। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा वो डीएलएफ फेज वन के इंडिपेंडेंट फ्लोज है, दैट इज ऑन एफ ब्लॉक। तो प्रेजेंटली मैं एफ ब्लॉक में खड़ा हूँ। ये जो छोटा सा पैच है बैंक ऑन गोल्फ कोर्स रोड और मेट्रो स्टेशन आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में, देर आर टू मेट्रो स्टेशन क्लोज टू यू इट। एक तो डीएलएफ फेज वन है अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हो, राइट में देर इज 4243। सो और लोकेशन तो सुपर प्राइम है क्योंकि बैंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड है ये। आप देख सकते हो दिस इज गोल्फ कोर्स रोड। और हाँ, आप पूरे एज ए स्ट्रक्चरली समझोगे तो ये कम्प्लीटली जो ब्लॉक है इट्स वी शेप्ड। थोड़ा फ्रंटेज अगर आप ये देखोगे तो ये बड़ा है, मतलब दो लेन ऐसे करके जाती है पैरेलली, जिस पे आपका 50% एफ ब्लॉक आ जाता है लेफ्ट। उसके बाद एक वी शेप है आपका। को ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये ब्लॉक बहुत हिट हो सकता है। फर्स्ट थिंग, एक तो इसमें पूरे ब्लॉक में कहीं पर कोई लीकेज नहीं है, कम्प्लीटली वॉल्ड है। जो हम बात अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ डीएलएफ अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो अब आप देख लो, ये एक एंट्री है इस ब्लॉक को आने के लिए। गाइज, अभी डीएलएफ ने जो लॉन्च किया है दैट इज इन F13 लेन। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो आपको सारा जो भी ये आपको ये सारा डीएलएफ का है आपका, तो दिस इज प्लॉट नंबर वन। यहाँ वो नहीं लेके आया है एग्जैक्टली। बाकी अगर आप देखोगे, सो बिफोर मूविंग मैं आपको ये भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ, दिस इज अ पार्क एरिया, ये भी मैं आपको घुमाऊंगा। ये स्टार्टिंग फ्रंट ऐसे जाता है और एल शेप में ऐसे घूम जाता है वाली बात एग्जैक्टली। सो ये जिस रोड पे हम घूम रहे हैं ये आप देख लो, अगर आप देखोगे तो सिंस इट्स अ न्यू ब्लॉक, जो भी कंस्ट्रक्शन होनी है फ्यूचर में होनी है, तो अब जो प्रोविजनिंग आ रही है वो सारी स्टिल्ट वाली आ रही है। तो पहले क्या होता था कि मतलब सिर्फ ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स बनाते थे तो लोग क्या करते थे, आधी रोड कवर कर लेते थे पार्किंग के लिए। अब वो नहीं आना क्योंकि बिकॉज स्टिल्ट में अपनी आपकी अपनी पार्किंग्स होगी। सो यू विल नॉट फाइंड कार्स लाइक रोड पे खड़ी है कुछ खड़ी है, तो आपका रोड पूरा खाली रहेगा एंड टू एंड, विच इज़ अ लाइक वेरी गुड थिंग। ये आप देखो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ आपको डीएलएफ की दिख रही होगी, मे बी फॉर इलेक्ट्रिकल एंड सीवेज लाइन। अब जैसे सपोज मान लो मैं थोड़ी थोड़ी आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी दिखा दूँ। सेम आप देखो, जैसे वो एक लेन था छोटा सा, ये मतलब इस रोड पे तो सीधा हम चल रहे हैं, मैंने आपको कहा ना जैसे इससे वी शेप, तो ये पैरेलली ये दो तो है ही है वाली बात है। उसके बाद जैसे ये एक लेन हो गया छोटा सा, दिस आर वेरी स्मॉल स्मॉल लेन्स, और आप देखो पूरा फेंस है। या सपोज मान लो फिर हम आते हैं यहाँ पर, अब ये ब्लॉक है आपका, थर्ड लेन, दिस इज अगेन द फोर्थ लेन। ये आप देखो पूरा वॉल्ड है आपका, ठीक है। अब गाइस मैं लेके चलता हूं आपको पार्क, ठीक है। पार्क आपका ये है, अभी ये अनडेवलप्ड पार्क है। इसका वन ऑफ द रीजन ये है, ब्लॉक खाली है, डीएलएफ इस पार्क को डेवलप करेगा और दे विल मेक इट एज ए वेरी ब्यूटीफुल पार्क। ये बनाएगा डीएलएफ बहुत प्यारे पार्क बनाते हैं। डीएलएफ के टाउनशिप इसलिए सक्सेसफुल है बिकॉज दे मेक वेरी ब्यूटीफुल पार्क्स आउट हियर। ये आप देख लो, ये भी फेंस्ड है पूरा, आप देख रहे हो वॉल है। ये हुडा का कम्युनिटी सेंटर है जिसका एक्सेस उस तरफ से है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। और ये जहां तक आपको ये पेड़ दिख रहे ना इस तरफ, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये आपके पार्क्स होंगे, यहाँ तक आपके पार्क्स होंगे। इसके अलावा अगर जेन्युइनली आप एक हेल्थ फ्रीक हो, आप जो अरावली बायोडाइवर्सिटी सो ब्यूटीफुल, यहाँ से इट्स लाइक 5 मिनट्स ड्राइव, आप जाओ गोल्फ कोर्स रोड है, कोई ट्रैफिक का हैसल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम वापस से बाहर की तरफ निकलते हैं, तो इट्स लाइक कम्प्लीटली इट विल बी लाइक कम्प्लीटली हैसल फ्री। और इतना प्यारा पार्क है, पूरा जरा एक माउंटेन में इन्होंने लाइक रोड्स बना दिए, सिर्फ तो प्योरली माउंटेन है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माउंटेन में घूम रहे हो, साइकिलिंग कर लो, वॉकिंग कर लो, वो जेन्युइनली अच्छी जगह। देखो सोसाइटी में कितना भी घूम लोगे, ठीक है, वैसे तो सोसाइटी में घूम घूम के भी आई कवर लाइक फ्यू किलोमीटर्स अगर आप सोसाइटी में भी घूम लो। और देखो हाँ, अब मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था, कुछ चीज़ें जैसे सपोज मान लो मैं कह रहा था कि यार यहाँ पर ज़्यादातर प्लॉट डीएलएफ के आने, तो अभी डीएलएफ ने जैसे 6 प्लॉट लॉन्च किए, मे बी इन फ्यूचर डीएलएफ और प्लॉट्स लॉन्च करेगा। सो यहाँ पर जो टाउनशिप होगी ना वो काइंड ऑफ सिमेट्रिक होगी,
जैसे ज़्यादातर जो आपको फसाड डिज़ाइन एंड ऑल मिलेंगे सब सेम मिलेंगे, क्योंकि DLF आपको पता है DLF मेक्स ए वेरी मतलब एक सेम काइंड ऑफ फसाड बनाएगा हर जगह पे, एवरी वेयर दे विल मेक लाइक सेम काइंड ऑफ फसाड। तो उससे क्या होगा कि देखो उसके कुछ अपने एडवांटेजेस भी कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि सारे कम्युनिटी आपस में नोन होगी, यहाँ आपकी कम्युनिटी में DLF, देखो ये बात पक्का है कि DLF का बिल्डर फ्लोर वही ले सकता है जिसके पास बहुत सारा वाइट का पैसा है, ठीक है, ऐसा अदरवाइज वो ले नहीं सकता क्योंकि सारे वाइट में मनी देनी है। तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ज़्यादा, और देखो वो किनके पास होता है, जॉब वालों के पास, प्रोफेशनल्स के पास, वो बेचारे लालाओं के पास नहीं होता है, होता भी तो वो देते नहीं है क्योंकि उनको ना वो बेस बनाना होता है। वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेंगे तो उनको 3 करोड़ रुपये चेक देना होता है बिकॉज उनको 7 करोड़ का उसमें कैश भी खर्च करना होता है। लाला बेचारे इतना वाइट नहीं देंगे, दे विल नेवर बाय। और वो मतलब एग्जाम्पल मान लो टैक्स, इंडिया में भी माइंड सेट है कि लोग टैक्स देना नहीं चाहते। सो अब गाइज मैं उधर भी चलता रहता हूँ, अब देखो F13 लेन में, सो आई विल कीप टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस, ठीक है। सो आपको ये आप इंश्योर कर लेना कि ज़्यादातर आपको इस सोसाइटी में जो भी इन फ्यूचर भी लोग मिलेंगे दे आर ऑल लाइक प्रोफेशनल से मिलेंगे आपको, बहुत सारे ग्रीनरी इनहेंस की जाएगी, लाइटिंग्स दी जाएगी, DLF का अपना पेटेंट लाइटिंग का स्टाइल होता है जो इन्होंने ब्लॉक्स में दिए DLF के जो, तो ये सारे जितने भी फसाड्स होंगे दे विल बी और लाइक सिमेट्रिक, कोई ऐसा नहीं कि लाइक इसमें ज़्यादा आपको कलरफुल चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो इसका आपको बेनिफिट भी है कि इन फ्यूचर ये एज ए काइंड ऑफ प्रज्यूम किया जाएगा कि DLF की अपनी सोसाइटी है, ठीक है। तो DLF का अपना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा क्योंकि DLF जो प्लॉट बेच रही है उसमें व्हाट दे आर डूइंग इज कि दे आर मेकिंग RW फॉर एवरी प्लॉट, ठीक है। तो व्हाट दे आर डूइंग कि DLF देर विल बी अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन DLF ईच ओनर एंड लाइक मेंटेनेंस एजेंसी विच DLF वॉन्ट्स। सो DLF कहीं ना कहीं कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने हाथ में रखेगी। इससे क्या होता है कि कल को मान लो चारों लोग अगर लाइक माइंडेड लोग नहीं है, सो इट्स बेटर कि जैसे आप ये देख लो सर मेट्रो जा रही है आपकी, तो आई एम जस्ट शोइंग यू। सो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर लाइक माइंडेड लोग नहीं भी हैं, सो मतलब आपके कल को मान लो कोई कहता है कल को कोई एग्री नहीं करता किसी चीज़ के लिए, तो उसकी चलेगी नहीं, एक यूनिफॉर्म रहेगा, चाहे मेंटेनेंस पे करना कुछ करना, कल को कोई ये नहीं कह सकता नहीं यार मेरे को ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं पे करना, कम नहीं पड़ना, ये है वो है वाली बात है, वो सारी चीज़ें। और थर्ड पार्टी मेंटेनेंस एजेंसी की ड्यूटी होगी कि आपकी सारी चीज़ों को मैनेज करे, दे विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग विद, दे विल मैनेज योर पावर बैकअप, क्लीनलीनेस, दे विल मैनेज, इनफैक्ट बाकी ये जो ब्लॉक है ये पूरा DLF मैनेज करेगी। लोग रहने लगेंगे तब ये चमकेगा थोड़ा, और उस हिसाब से चीज़ें मतलब डेवलप होती जाएंगी। अब गाइस घूमते घूमते मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि कम्प्लीटली ये जो है 9.5 एकड़स का ब्लॉक है, ये भी मैंने आपको जो कैलकुलेट करके बताया वो मैंने अगेन गूगल मैप में कैलकुलेट किया। गूगल मैप में जाओ, सिंपल सा लो, कैलकुलेट करो, वी शेप प्लॉट है, सब कुछ आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 9.5 एकड़स में देयर आर ओनली 75 प्लॉट्स, जिसमें मैंने कुछ ऐसे प्लॉट्स भी कवर किए जो इस ब्लॉक के पार्ट ना भी हो क्योंकि वो उस तरफ आ जाएंगे, चलो मैंने इसको एज ए कवर भी कर लिया। अब आप 75 को इंटू 4 होंगे लाइक देयर विल बी 300 बिल्डर फ्लोर विच विल कम अप, दैट मीन्स 300 फैमिलीज़ में अगर आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आप एरिया डेंसिटी देखोगे तो यहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड्स जो है, जैसे फ्रंट में मैंने आपको ये जो लेन बताया दे आर ऑल 500 ऑलमोस्ट, सो आपका जो 45% जो ब्लॉक रहेगा दैट विल बी ऑफ 45% एरिया ब्लॉक वाली बात है, बाकी आपके 250 या 200 स्क्वायर यार्ड्स रहेंगे। देखो धीरे धीरे ये जब रूप में आएगा, यहाँ DLF अपना एक थोड़ा थोड़ा चीज़ें चमकाना शुरू करेगा, तो फिर बहुत मज़ा आएगा, कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी लाइक माइंडेड लोगों की, सब DLF के लोग होंगे, तो मे बी एक होता है ना कि लाइक अच्छी दोस्ती होंगी। DLF भी बहुत सारे मतलब स्पॉन्सर करता है चीज़ों को लाइक फेस्टिवल्स ये वो इस तरह से, नहीं तो अदरवाइज आपको बता दो एक बिल्डर फ्लोर की ना कुछ चैलेंजेस हैं गुड़गांव में, फॉर एग्जांपल मान लो देर बिल्डर फ्लोर में कम्युनिटी डेवलप नहीं हो पाती है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर ऐसा बिल्डर फ्लोर लेते हो जहाँ आपकी कम्युनिटी डेवलप हो जाती है तो इट सॉल्व बोथ ऑफ योर पर्पज़। दूसरी क्या, बिल्डर फ्लोर में आपको सोसाइटी की सिक्योरिटी नहीं मिलती है, वो भी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम से प्रीमियम ब्लॉक्स में भी क्या हो रहा है कि गेटेड बनाना बहुत इम्पॉसिबल हो गया लोगों के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो क्योंकि आप अगर देखोगे बाद में लोगों ने क्या किया, कई ऐसे छोटे छोटे पॉकेट से, जैसे ये एक पॉकेट है वैसे कई पॉकेट से फेज़ 4 में, जिसका मैं आपको लाइक एक बाहर से ड्राइव थ्रू भी दिखा दूंगा, ये बात है कि मतलब देवर लिटिल ब्रॉच और उनका फेंस था अच्छे से, मतलब लाइक बाहर आगे बाहर ज़्यादा वो नहीं था, तो लोगों ने उसको प्रॉपरली गेटेड कर लिया, अपने खुद के गार्ड्स बिठा लिए वहाँ पर, और दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, और वहाँ प्लॉट्स के रेट भी यू वोंट बिलीव DLF फेज़ 4 में, बट उनके रेट DLF फेज़ 2 से भी ज़्यादा हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अमलताज मार्ग है, इट्स लाइक इन DLF फेज़ 4 अगर आपको नहीं पता हो, सो वहाँ 2.5 लाख रुपये का रेट है प्लॉट का, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लॉट ऑफ गुड़गांव, इट्स इन फेज़ 4। अब ऐसे देखा जाए तो फेज़ 2 का ज़्यादा रेट होना चाहिए फेज़ 4 से, बट उसके बावजूद भी सिंस इट इज़ गेटेड लोगों ने एक अपना कॉमन गेट बना लिया है, RW बहुत एक्टिव है, थोड़ी मतलब साफ सफाई अच्छी है, ग्रीनरी अच्छी है, सो नाउ इट्स बींग वेरी मच प्रेफर्ड। सो गाइस करूँ मैं DLF के अपने डिज़ाइन की,
देखो सबसे पहले लोकेशन की बात है, लोकेशन इज़ नंबर वन, गोल्फ कोर्स रोड पे हो, ठीक है। यहाँ से आप साइबर सिटी ऑन 5 मिनट्स, साइबर हब, साइबर सिटी, यहाँ से जितने भी मॉल्स है दे आर वेरी एक्सेसिबल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मतलब यू आर ऑन द प्राइमेस्ट ऑफ द प्राइमेस्ट लोकेशन। एयरपोर्ट तक आप 10 मिनट में पहुँच जाओगे, बिकॉज गोल्फ ये बिल्कुल रेड लाइट फ्री है गोल्फ कोर्स, वहाँ से आप जाते हो तो सीधा NH8 पे चले जाते हो, तो इट्स कम्प्लीटली मतलब सच ए स्मूथ ड्राइव, ठीक है। तो आप एक तरह से, दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जो DLF के सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं आपके कैमिलियाज, मैग्नोलियाज, वो अगर आप इस ब्लॉक से देखोगे तो दिखता भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कोई कोरिलेंस है, मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इट कैन बी इन लाइक DLF का अपना जो लाइक गोल्फ कोर्स है जहाँ पर कैमिलियाज ऐसी प्रॉपर्टी है DLF का लाइक, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ से आप मैग्नोलिया से बहुत इजीली दिखता है, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। बाकी वो दिखाने से पहले मैं आपको जस्ट यहाँ खड़ा होकर थोड़ा डिज़ाइन बता दूँ। डिज़ाइन इस तरीके से होगा कि लाइक कुछ वहाँ 400 गज के प्लॉट है, बाकी 3 यहाँ 500 गज के प्लॉट है, 4, 5, 6। देर विल बी लाइक स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स, ठीक है। फसाड एंड ऑल अभी DLF ने जो दिया है वो आप देख लो स्क्रीन पे, बट कहने का मतलब है कि लाइक DLF अपना जो भी फसाड अभी डिज़ाइनिंग कर रही है दे विल मेक जेन्युइनली बहुत अच्छा होगा, बट दैट विल बी कॉमन। तो इससे आपको एक एडवांटेज ये होता है इन फ्यूचर कि आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, तो इन फ्यूचर जब आपको बेचना भी होता है सो बायर के पास भी ज़्यादा चॉइस नहीं होती है। DLF का फसाड है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो गया तो बेचने के हिसाब से लाइक ठीक है, नहीं तो क्या होता है प्राइवेट बिल्डर फिर बहुत अच्छे अच्छे फसाड डिज़ाइंस बनाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट इन फ्यूचर क्या होता है कल को कोई ब्लैक कलर है, कोई रेड कलर है, कई बार डिज़ाइन बनाने के लिए दे कवर लाइक लॉट ऑफ बालकनीज एंड ऑल, ये इस तरह से काफ़ी चीज़ चलती है, तो समटाइम्स देर आर सर्टन थिंग्स विच आर एसोसिएटेड फॉर मेकिंग। तो कई बार क्या होता है वो कहता है नहीं मुझे काला फसाड नहीं चाहिए, मुझे लाल फसाड चाहिए, अब लाल फसाड खोजो तो वो इतनी वैरायटी आ जाती है। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, जैसे आप खरीदोगे वैसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, आज आप खरीदने जाओगे तो आप देखते तक नहीं हो कि DLF क्या फसाड बना रहा है, क्योंकि DLF ने अपना ऑफिशियल कोई फसाड दिया ही नहीं है। सेम थिंग जब आप बेचने जाओगे तो एक स्टैंडर्ड फसाड बनेगा, DLF का अपना बोर्ड लगा हुआ, देखो एक बहुत मायने रखता है, अगर DLF का अपना बोर्ड लगा हुआ है इट मीन्स अ लॉट। आज नंबर वन डेवलपर इंडिया के ऐसे ही नहीं है। DLF विल कम अप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन से लेकर आएगा, हर जगह अभी इनके बिल्डर फ्लोज आ रहे हैं, दे आर कमिंग अप इन गार्डन सिटी, गार्डन सिटी में ऑलरेडी चल रहा है, वी आर ऑलरेडी सेलिंग इट। अगर आपका बजट इतना नहीं है, यू वॉन्ट टू गो टू न्यू गुड़गांव, यू कैन डू दैट, वी आर मतलब दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, फुल्ली गेटेड और बहुत ही प्यारा सोसाइटी है, नए तरीके से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल, ठीक है। फसाड उसका भी ऑलमोस्ट सेम होगा, सो DLF की अपनी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भी DLF का एक बहुत बड़ा क्लब होगा, ठीक है, सो वो भी एक एज ए देख सकते हो। अब ठीक है, अब मैं बात करते करते आपको जैसे जस्ट मैं थोड़ा आगे आ गया, अब मैं चीज़ें आपको बता दूँ कि एक तो ये जैसे मैंने आपको फसाड के बारे में बताया, अब क्या होता है कि जैसे सपोज हम बात करते हैं डिज़ाइंस की, तो डिज़ाइंस में जैसे इट्स विल बी वेरी प्लेन डिज़ाइन, स्टिल्ट होगा, 4 फ्लोर्स होंगे, नीचे बेसमेंट होगा आपका। अब ये एक यूनिक चीज़ है क्योंकि अब जो प्राइवेट बिल्डर फ्लोर बिल्डर बना रहे हैं, मैं बार बार प्राइवेट बिल्डर फ्लोर इसलिए नेचुरल से बात है, बिल्डर फ्लोर और भी बिल्डर्स बना रहे तो देर है कॉम्पिटिशन, तो प्राइवेट बिल्डर फ्लोर जो बना रहे हैं उसमें क्या हो रहा है आपका कि लाइक मतलब दे डोंट मेक अ बेसमेंट। अब बेसमेंट नहीं बनाने से क्या होता है कि, या फिर ठीक है बेसमेंट नहीं बनाने से क्या होता है कि अब सपोज मान लो समबडी हु वॉन्ट टू यूज़ एज अ एक्स्ट्रा एरिया, कल को उसको ऑफिस के हिसाब से यूज़ करना हो, कुछ भी एज ए स्टोर रूम यूज़ करना हो, अ लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, कुछ भी एनीथिंग मल्टीपर्पज यूज़ के लिए कुछ भी करना हो वाली बात, एक्जैक्टली टीवी रूम बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, दे कैन नॉट मेक, DLF इज़ डूइंग दिस। सो और ये बेसमेंट जो बना रहे हैं दे आर नॉट गिविंग इट टू अ सिंगल पर्सन, दे आर गिविंग इट टू द 4 पीपल, लाइक ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग इट टू द 4, लाइक ऑल 4 में ये बेसमेंट डिवाइड कर रहे हैं। उसमें एक फ़ायदा ये है कि जो फर्स्ट और फोर्थ लेता है उसको ये फायदा हो जाता है कि उनके साइड में है, सो बेसमेंट में इन्होंने व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन यू अ स्टाफ रूम एंड यू स्टोर रूम। फर्स्ट और फोर्थ वालों को ये फायदा है कि लाइक वो लास्ट में है तो वो आराम से ज्वाइन करके बढ़िया से उसको बना ले, प्रॉपर कटआउट है बढ़िया वाला, इससे आपका वेल लिट बेसमेंट रहेगा, पूरा वेंटिलेशन रहेगा तो यूज़ रहेगा, दे आर नॉट, इट्स नॉट ए डैम बेसमेंट कि यार आप आओ और मतलब लाइक बिल्कुल हवा धूप नहीं आ रही है, इस तरह से प्रॉपर वेल लिटेड, क्योंकि बहुत अच्छा इन्होंने कटआउट दिया स्टिल्ट एरिया में जिससे आपके बहुत अच्छी लाइट्स आएंगी यहाँ पर। इससे क्या है कि AC VC लगाने में भी इजी होगी, कल को आपको AC लगाना है कुछ भी लगाना है तो दे हैव यू हैव लाइक जो आउटपुट यूनिट मतलब आउटडोर यूनिट है वो आप आराम से लगा सकते हो, ठीक है, और हवा लाइट्स अच्छी रहेंगी, लिफ्ट्स आपके नीचे तक जाएंगे। टेरेस व्हाट दे हैव डन, इन्होंने कॉमन टेरेस दिया है, ये एक यूनिक चीज़ है क्योंकि जो प्राइवेट बिल्डर फ्लोर होते हैं वो 4th फ्लोर को टेरेस देते हैं, तो इससे क्या हो सकता है इन फ्यूचर की, मान लो आप 4 लोग हो, सो DLF इज़ नॉट डिवाइडिंग इट देर, तो मे बी हो सकता है कि इन फ्यूचर आप 4 डिसाइड कर लो कि यार वी वॉन्ट टू कीप दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, 4 को टेरेस मिल जाएगा, या फिर मे बी उसे क्या है कि आपके ऊपर इतने बड़े टेरेस को खुद मैनेज करने का हेडेक नहीं रहेगा, अदरवाइज इतना बड़ा टेरेस आप लेते तो मैनेज भी करना पड़ता है, तो उसे ठीक है मे बी ये हो सकता है कि 4 मिलकर मैनेज कर ले इसको टेरेस को, एक ब्यूटीफुल सा गार्डन बना दे भैया हम 4 मैनेज करेंगे, अगर किसी का 400-500 गज का प्लॉट है तो टेरेस भी अच्छा खासा एरिया आता है, सो लाइक अच्छे से आप मतलब बिल्कुल उसको प्यारा प्यारा टेरेस डिज़ाइन बना लो, तो लाइक कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड। उससे क्या होगा कि लाइक कॉमन टेरेस है, लोग आएंगे जाएंगे आपस में मिलेंगे, एक प्रॉपर एक्सचेंज होगा, मतलब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज 4th फ्लोर की बादशाहियत हो जाती है, ताज लेके बैठ जाते हैं,
और बेसमेंट प्राइवेट बिल्डर बनाते नहीं है, बनाते भी तो वो दे गिव इट टू द फर्स्ट फ्लोर। आजकल हर आदमी को कोविड के बाद आपको पता है यू नीड लाइक प्राइवेट स्पेस, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया, तो इससे वर्क फ्रॉम होम के कल्चर और ये फ्यूचर में रहना भी है, तो इट्स समथिंग कि आपको अपने एक प्राइवेट जगह चाहिए ही चाहिए वाली बात। एग्जैक्टली डॉल एक चीज़ यहाँ बहुत पर्टिकुलर है कि आप देखोगे यहाँ इन्होंने जो कार पार्किंग दी है ना स्टिल्ट एरिया में, वो आपको बैक टू बैक नहीं दी है, साइड बाई साइड दी है। सो कोई भी पार्किंग मतलब कोई भी आपको अपनी गाड़ी निकालने के लिए, आपको आगे की गाड़ी निकालने के लिए पीछे की गाड़ी नहीं निकालनी पड़ेगी, साइड बाई साइड है, प्रॉपर पॉर्च बनाया है इन्होंने, आप एंटर करो लेफ्ट और राइट लेके अपनी गाड़ी पार्क करो, आपके अपने डेडिकेटेड कार पार्किंग्स है, और साथ में दे हैव गिवन अ वेटिंग लॉन्च, आप देख सकते हो ये चीज़ है। तो दीज आर वेरी यूनिक थिंग्स अबाउट दिस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। देखो DLF की प्रॉपर्टी है, DLF एक ब्रांड नेम है, मैंने कहा ना कि 75 साल पुराना ब्रांड नेम है, तो यू कैन बी इंश्योर्ड कि यार आपको पता होगा कि यार यू आर गेटिंग अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। और ये इजी होता है हमारे लिए भी बेचने के लिए, जैसे हम किसी को बेचते हैं ना तो हमें भी इजी होता है समझाना। मैंने तो ये कई फैक्टर्स हैं, डेंसिटी भी अच्छा है, एरिया भी डेवलप हो जाएगा, ये यहाँ कोई पुराने घर नहीं होंगे इस ब्लॉक में। तो अब इसके अलावा सुनो, इट इज़ इन फेज़ वन, DLF के दो मेजर क्लब्स हैं, सिटी क्लब्स, DLF फेज़ 4 एंड फेज़ 3, ठीक है। अब क्या है कि सपोज मान लो इस जगह वालों को ये एडवांटेज मिल जाता है कि यहाँ से जो फेज़ 4 का क्लब है दैट इज़ ओनली 1.3 किलोमीटर, एक्जैक्टली 1.3 किलोमीटर, ये मैं आपको ड्राइव करके लेके जाऊँगा, और दैट्स द बेस्ट क्लब, सिटी क्लब, ये गुड़गांव का वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, DLF फेज़ 4 का जो क्लब है, ठीक है। आप वहाँ का अपना मेंबरशिप लो, ईयरली चार्ज लगते हैं। देखो फेज़ 2 में जब इन्होंने बेचा था तो मतलब लाइक फेज़ 2 के प्लॉट्स में जब बेचा था इन्होंने क्लब मेंबरशिप 7 दिया 5 साल का, बट यहाँ यू हैव टू बाय, डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट लाइक प्रोविजंस, आप ले सकते हो। और 1.3 किलोमीटर इज नथिंग, आप रात जाओ क्लब्स में इंजॉय करो, यू हैव ऑल स्पोर्ट्स टू प्ले वाली बात है। सो यू हैव, इसके अलावा गाइस आप बात करोगे मतलब क्या बोलते हैं, गलेरिया मार्केट इज 1.3 किलोमीटर, और बाकी तो यहाँ से मॉल और ये वो ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट्स सेंटर ऑफ गुड़गांव। सो लोकेशन मैंने आपको बताई दिया, क्लब यहाँ पास है, DLF की प्रॉपर्टी बननी है, एक वेल इंटीग्रेटेड गेटेड कम्युनिटी होनी है सारा। मैं चलता हूँ आपको वो दिखाने के लिए DLF फेज़ 4 में जो कुछ ब्लॉक्स में लोगों ने कवर कर दिया और उसको वो बना दिया वाली बात। एग्जैक्टली सो गाइज अब अपने चलते हैं, चलो गाइज, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये सिटी क्लब है DLF का, और ये सबसे अच्छा क्लब है सारे क्लब्स में, फेज़ 4 का जो उनका क्लब है। तो 1.3 किलोमीटर में आप पहुंच गए यहाँ से, इट्स वेरी 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 क्लोज, ठीक है। और बाकी जैसे ना कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि लाइक जो स्टार्टिंग में लोगों ने डेवलप कर दिया ग्रीन एरिया, तो ये सब जो पॉकेट्स आप देख रहे हो जैसे दिस इज अ मैरी गोल्ड लेन, सो इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ पर गेट पॉसिबल हुआ कि मतलब एक सिंगल क्लस्टर है ज़्यादा ओपन एंट्री एग्जिट नहीं है, तो इन्होंने ये बना दिया है, तो ऐसे करके ये लेफ्ट ठीक है गाइस। तो मैं तो चलता जाऊँगा, वैसे ही ये ब्लॉक भी आपको देखा है, डिस्कस लेंगे है, सो दे आर ऑल गेटेड, यहाँ पे सभी से अमल ये देखो इन्होंने पार्क डेवलप किया, तो ये मेन रोड के एरियाज में इन्होंने पार्क डेवलप किया है, जो ग्रीन एरियाज है आपका। सो एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये देखो देयर इज अ दहिला लेन, बिकॉज ये सारे इसलिए डेवलप हो गए, और देखो प्रॉपर गार्ड रूम बना दिए इन्होंने एंट्री एग्जिट अगर आप देखोगे तो, और ये प्रॉपर इसलिए बना दिए इन्होंने कि लाइक यहाँ मैं और सारे लेन्स आपको दिखा दूंगा, क्योंकि वो पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर क्या थे कुछ क्लस्टर ऑफ प्लॉट्स लाइक ट्यूलिप ट्यूलिप लेन है आपका एग्जैक्टली, ठीक है। लेके चला जाऊंगा शायद मेरे ब्रदर के स्कूल है, तो मे भी मैं वहाँ की मैं कोशिश करूँगी मलबरी वाले में चला जाऊँ, ये देखो आप मलबरी ले लें,
देर आर लेन्स एंड देर आर ब्यूटीफुल, बहुत पॉपुलर है आपके, दिस इज ऑर्चिड क्रेसेंट, हर जगह इन्होंने गार्डन बनाया है, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। तो ये छोटा सा इनिशिएट किया था डीएलएफ ने और आरडब्ल्यू वालों ने सबने मिलके, तो उन्होंने ये चीज़ें की। और ये पॉसिबल इसलिए है कि अगर सपोज मान लो बीच से और दो तीन मिनट गुजरते तो आप नहीं कर सकते किसी को भी गेट। ये देखो पाम एवेन्यूज अगेन, सब ब्यूटीफुल, सब जगह गार्डन रूम बने हुए हैं आपके अलग से, सब जगह आपके गार्डन रूम बने हुए हैं। ये देखो अमलतास ड्राइव, ये भी बहुत पॉपुलर ड्राइव है, आई थिंक गार्ड अगर नहीं होगा तो मैं घर 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 नहीं घुसने देगा गार्ड। देखो मैं घुसने की कोशिश की, तुरंत गार्ड आ गया आपका, सॉरी, हाई सिक्योर्ड लेन से सारे।